हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसको सुनकर शायद आपके कानों को विश्वास भी ना हो। एनआईओएस वालों के लिए सबसे बड़ी खबर है। जी हां, एनआईओएस वाले केस जीत चुके हैं। एनआईओएस डीएलएड की मान्यता मिल चुकी है रेगुलर शिक्षक भर्ती के लिए। मामला क्या है, पूरा पूरा बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि बिहार में पिछले लगभग 8-10 महीने से केस चल रहा था शिक्षक बहाली में, शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में। एनआईओएस से जो डीएलएड किए थे उनको बिहार सरकार द्वारा बाहर कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि एनआईओएस वाले हाईकोर्ट में याचिका दायर किए, जिसका पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी प्रधानमंत्री तक यह बात पहुँचा। फिलहाल अब जजमेंट आ चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा बताऊंगा अभी आपको। पूरा जजमेंट यहां पर आ चुका है हाईकोर्ट के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि एनआईओएस डीएलएड मान्य है। और इसको मैं शॉर्टली आपको पहले बता देता हूं, फिर हम लेटर के बारे में बात करेंगे। जजमेंट में क्या बताया है मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं। हाईकोर्ट ने माना कि यह एनसीटी से अप्रूव्ड है। हाईकोर्ट ने एनसीटी के स्पष्टीकरण को अवैध करार देते हुए कहा कि यह डिप्लोमा पूरे 2 साल का है, जिन्हें 18 महीने में पूरा करवाया गया है। डीएलएड सभी के लिए एक जैसा ही डिप्लोमा है, चाहे वह रेगुलर मोड का हो या डिस्टेंस मोड का। 2 साल का ही होता है और इसे एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। एक ही डिप्लोमा की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, ऐसा होना आर्टिकल 14 का वायोलेशन है। इसलिए ये सर्वत्र मान्य है और इस डिप्लोमा को किए हुए अभ्यर्थी 1 से 8 तक शिक्षक बनने योग्य हैं। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार को शुद्धि पत्र जारी करने को कहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनआईओएस वाले एलिजिबल नहीं हैं। और बिहार सरकार ने एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए जो टेट पास हैं, उन्हें 1 महीने का समय नियोजन इकाई में फार्म जमा करने का देने का निर्देश किया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, एनआईओएस वालों को मान्यता मिल चुकी है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मुद्दे की बात यह है कि मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। जैसे आप सबको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में बहुत ही भड़कम मचा हुआ है एनआईओएस की मान्यता को लेकर। और बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी भरम में है कि एनआईओएस वाले हम पात्र किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि जब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एनआईओएस वालों को पात्र किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, एनआईओएस वालों को पात्र किया जा रहा है। एनआईओएस वालों जो डिप्लोमा लेकर जा रहे हैं, उनको सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के लिए मान्य किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में अब रेगुलर डीएड बीएड वाले लोग भड़क गए हैं और वो लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर याचिका लग जाती है तो फैसला किसके पक्ष में आएगा, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह बात तो क्लियर है कि बिहार में इसको केस जीत चुके हैं। और अभी ये जो एनआईओएस वाला है, ये यूपी में भी चल रहा है। यूपी का जो टेट हुआ था, जिसमें एनआईओएस वालों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन ये जजमेंट के आते ही अब एनआईओएस वालों को एक बहुत तगड़ा पक्ष बन चुका है कि हमारी भर्ती को मान्य किया जाए। फिलहाल हाईकोर्ट ने यही कहा है कि यह 2 साल का कोर्स था, जिसे 18 महीने में एनसीटी के द्वारा कराया गया है। ठीक है, तो अब कोई सवाल ही नहीं है। आप लोग एनआईओएस डीएलएड किए हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, थोड़ा बहुत अभी छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और क्योंकि रेगुलर डीएड बीएड वाले आपका केस करेंगे। ठीक है, और जो नियोजन की प्रक्रिया है छत्तीसगढ़ में तो चल ही रही है, देखते हैं क्या है, कैसे होता है। फिलहाल मैं कागजों पर ही बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर कीजिएगा, और फुल जानकारी देने लायक अगर चैनल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं समय समय पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपके बीच लाते रहता हूँ। तो मैं धीरे धीरे यहाँ पर देखिए यहाँ कर देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पूरा 39 पेज का यह है, और जिसमें कोर्ट ने मैं आपको स्पष्ट तौर पर अभी जो बताया वही बात लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप।
चाहे तो वेबसाइट से भी उधर डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। 21 तारीख का यह जजमेंट है बन रहा था, अभी इसे डिक्लेयर कर दिया गया है इसको, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या होता है, कैसे होता है। बहुत से लोग मैदान पर उतरने वाले हैं। अब मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा कि इसके बारे में और क्या अपडेट मिल रही है, छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है इसके संदर्भ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी जारी रखें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।